हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं फिर से ले कर के आया हूँ क्लिनिकल पैथोलॉजी का एमसीक्यू चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री है पेरी कार्डियल फ्लूड जो कि लैब टेक्नीशियन के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से द फ्लूड प्रजेंट अराउंड द हार्ट इन द पेरी कार्डियल स्पेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए पिलिगुलर फ्लूड ऑप्शन बी पेरी कार्डियर फ्लूड ऑप्शन सी पेरी ट्वेनियर फ्लूड ऑप्शन डी साइनोवियर फ्लूड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेरी कार्डियर फ्लूड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द अमाउंट ऑफ नॉर्मल पेरी कार्डियर फ्लूड इज ऑप्शन ए ट्वेंटी टू फिफ्टी एम एल ऑप्शन बी फाइव टू टेन एम एल ऑप्शन सी फिफ्टीन टू ट्वेंटी एम एल ऑप्शन डी सिक्सटी टू सेवेंटी एम इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ट्वेंटी टू फिफ्टी एम नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल अपियरेंस ऑफ द पेरिकार्डियर फ्लूड इज ऑप्शन ए हेज़ी ऑप्शन बी क्लाउडी ऑप्शन सी क्लियर ऑप्शन डी टर्बिड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नॉर्मल कलर ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूड ऑप्शन ए एस्ट्रो ऑप्शन बी येलो ऑप्शन सी ब्लैक ऑप्शन डी पिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस्ट्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच एक्सेस फ्लूड एक्यूमुलेट इन स्पेस इज नोन एज ऑप्शन ए पिल्यूलर इफ्यूजन ऑप्शन बी पेरिटोनियल इफ्यूजन ऑप्शन सी हाइड्रेटियल इफ्यूजन ऑप्शन डी पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिटोनियल इफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन है द विथड्रॉवल ऑफ फ्लूड फ्रॉम द पेरिकार्डियल सेक बाई द इंसर्सन ऑफ ए हलो नीडिल इज कॉल्ड ऑप्शन ए पेरीकार्डियोसेंटेटिस ऑप्शन बी पेरिकार्डिक सेंटेटिस ऑप्शन सी पेरिकार्डियक्टोमी ऑप्शन डी पेरिकार्डियो एस्टोमी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिकार्डिकटेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड टिंज पेरिकार्डियल फ्लूड इज ऑब्जर्व इन ऑप्शन ए ट्रोमेटिकली टैप ऑप्शन बी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ऑप्शन बी मैक्सीडेमा ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रोमेटिकली टैप नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ ग्रॉसली ब्लडी पेरिकार्डियल फ्लूड पेरिकार्डियल फ्लूड में भी यहाँ पेरिकार्डियल फ्लूड रिपीट हो गया इसलिए पेरिकार्डियल फ्लूड में भी ऑप्शन ए बैक्टेरियल पेरिकार्डिटिस ऑप्शन बी टिवलोसिस ऑप्शन सी सिस्टेमिक सिस्टेमिक लपस इमेटोड इिथोमेटोड ऑप्शन डी लीकिंग एवोटिक सिंड्रोम इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लीकिंग एविटिक सिंड्रोम यानी कि लीकिंग आउटसाइड ऑफ हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाउडी अपियरेंस ऑफ द पेरिकार्डर फ्लूड मे बी सीन इन ऑप्शन ए क्रोनिक इफ्यूजन ऑप्शन बी बैक्टेरियल इन्फ्लामेशन ऑप्शन सी रिमैटिक इन्फ्लामेशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ देव नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरिकार्डियल फ्लूड ए पियर नॉर्मल बट इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ इट मे बी ऑब्जर्व इन कंडीशन ऑफ ऑप्शन ए कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर ऑप्शन बी अर्ली स्टेज इन्फ्लामेशन ऑप्शन सी आइडियोपैथिक पेरिकार्डियटाइटिस ऑप्शन डी ऑल ऑफ देव इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एवर तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक का वीडियो समाप्त होता है तो थैंक यू